अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, यादाश्त के मसाइल, इनसे बचना चाहते हैं, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाना चाहते हैं, बीमारियों से बचते रहें, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने जिस्म के अंदर मुफीद बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक भी कहते हैं, माइक्रोबायोम भी कहते हैं, उनको अपने जिस्म में हमने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है इसी वीडियो में सारे कुछ बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, तो मुकम्मल आए वीडियो देखते हैं। आपने लफ्ज सुना होगा प्रोबायोटिक्स, इससे मुराद मुफीद बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों के अंदर होते हैं, हमारे गट के अंदर होते हैं। इनकी तादाद लाखों करोड़ों अरबों नहीं है, हमारे आंतों में खरबों के लिहाज से होते हैं, ट्रिलियन के लिहाज से होते हैं। ये मुफीद बैक्टीरिया हमारे निज़ाम इन्हज़ाम को चलाते हैं। अगर ये सेहतमंद हैं, ठीक हैं, इनकी तादाद पूरी हैं, तो हमें सेहतमंद रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे। ये माइक्रोबायोम या गट फ्लोरा हमारे जो बुरे जरासीम होते हैं उनको भी ख़त्म करते हैं, हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं, हमारी सेहत का इन्हसार, हमारी कुव्वत मुदाफियत 80% इन्हीं पे डिपेंड करती है। अगर ये सेहतमंद हैं तो हमारी कुव्वत मुदाफियत अच्छी बनी रहेगी। यहाँ मैं कुछ इनके फायदे बयान कर देता हूँ। ये जिस्म से सोजिश को कम करते हैं, जिस्म से इन्फेक्शन का भी खात्मा करते हैं। हमारी दिमागी सेहत का तल्लुक इनके साथ जोड़ा गया है। जदीद रिसर्चेज में ये बात सामने आई है, अगर आपके मुफीद बैक्टीरिया माइक्रोबायोम पूरे हैं, अच्छी तरह काम करें, सेहतमंद हैं, तो आपकी दिमागी सेहत बड़ी अच्छी होगी, याददाश्त बड़ी अच्छी होगी, आपकी दिमागी मसाइल जो हैं आपके वो ख़त्म होंगे। ये दोस्त बैक्टीरिया माइक्रोबायोम अगर पूरे हैं, सेहतमंद हैं, तो आपके जिस्म में जो बुरी चर्बी बन जाती है, जिसको हम LDL के नाम से जानते हैं, गंदी चर्बी भी इसके, उसको ये काम करते हैं, जिस्म में जज़्ब नहीं होने देते, बल्कि फ्लैश आउट कर देते, निकाल देते हैं ये माइक्रोबायोम, और HDL अच्छी जो चर्बी होती है उसको बढ़ाते हैं। और जब जिस्म से चर्बी का खात्मा कर देते हैं, खून की नालियों को साफ रखते हैं, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, खून की नालियां साफ रहेंगी तो दिल के अमराज से बचेंगे। यानी कितने अहम हैं ये बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए। माइक्रोबायोम मुफीद बैक्टीरिया का तल्लक शुगर, डायबिटीज, डायबिटिस के साथ भी जोड़ा गया है। वो किस तरह के, आपने एक वर्ड सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की मज़ाहमत। वो क्या होता है, हमारे सेल इंसुलिन लेते हैं, उससे मीठे को, ग्लूकोज को हजम जज़्ब करते हैं। जब इंसुलिन हमारे सेल लेते ही नहीं, उसके खिलाफ मज़ाहमत कर देते हैं, अपने अंदर एक लॉक लगा देते हैं ताकि इंसुलिन आ ना सके। जब इंसुलिन ही लेते तो जो मीठा ग्लूकोज होता है उसको अच्छी तरह हजम जज़्ब नहीं कर पाते हमारे सेल, तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज बढ़नी शुरू हो जाती है। ये माइक्रोबायोम आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाते हैं, मोटापे में जो कई चीज़ें हमारे जिस्म में काम करना शुरू कर देती हैं, माइक्रोबायोम उन चीज़ों के खिलाफ हमारे जिस्म में अच्छा रद्द अमल बनाते हैं, जो मोटापे का बाइस बनने वाली चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। अगर माइक्रोबायोम सेहतमंद है, अच्छी तरह काम कर रहे हैं, मोटापे से भी बचेंगे आप। माइक्रोबायोम आपके जिस्म में एलर्जी को भी कंट्रोल करते हैं, एलर्जी को ख़त्म करते हैं, तो जो जल्दी मसाइल हैं उनको हल करने में भी मदद करते हैं। ये माइक्रोबायोम मैदे और इंतड़ियों के जो मसाइल हैं, IBS है, जिसमें आपको खाना खाते ही मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लगते हैं, दर्द रहती है, खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता, IBS इसको बोलते हैं, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इसमें बड़े फायदे मंद हैं। अगर आप अपने माइक्रोबायोम को, मुफीद बैक्टीरिया को इन मसाइल में बढ़ाते हैं, तो ये मसाइल खुद ब खुद बगैर मेडिसिन के ख़त्म हो जाएंगे। ये माइक्रोबायोम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी बड़ा अहम काम करते हैं, आपके मूड को बेहतर करते हैं। माइक्रोबायोम गट फ्लोरा के बारे में हमने सुन लिया कि इतने ढेर सारों इसके फ़ायदे हैं, तो अपने जिस्म में हमने इसको बढ़ाना कैसे है, सेहतमंद रहें, ज़्यादा मकदार में भी हों और पूरी तरह में भरपूर फ़ायदा भी पहुँचाएँ, तो जनाब अपने मुँह की सेहत अच्छी रखिए, यहाँ से इन्होंने शुरू होना है। मुँह में इन्फेक्शन ना होने दीजिए, दांतों की अच्छी तरह सफाई रखिए, फाइबर वाली गज़ाएँ खाएँ, रिश्तेदार गज़ा जो हो, फलों सब्जियों और अनाज के जो ऊपरी परत होता है उसमें होती है, क्योंकि ये मुफीद बैक्टीरिया इस फाइबर को, रिश्तेदार चीज़ों को खाते हैं। दही के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपके मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, उनकी गज़ा बनते हैं,
लिहाजा दही का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। बेहतर है कि घर का बना हुआ दही हो, डिब्बे वाला या बाज़ार का ना हो, क्योंकि दही के अंदर इतने ज़्यादा प्रोबायोटिक होते हैं, अरबों के लिहाज से आपको मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सुबह खाली पेट अगर दही खाते हैं तो आपके माइक्रोबायोम, आपके गट फ्लोरा अच्छी मकदार में बढ़ेंगे, सेहतमंद होंगे। छाछ लस्सी जो कभी लोग पिया करते थे, आजकल उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है, वो भी माइक्रोबायोम को बढ़ाती है। तो लिहाजा लस्सी को भी अपने रोज़मर्रा मामूलात में शामिल कीजिए। खालस दूध से बना हुआ पनीर भी अच्छी तरह आपके लिए ये काम कर सकता है, आपके माइक्रोबायोम को बढ़ा सकता है। और सबसे बढ़कर घर का बना हुआ अचार। घर का बना हुआ क्यों कहा है? इसलिए कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते, केमिकल नहीं डाले जाते जो आपके चीज़ों को महफूज रखते हैं। यही केमिकल तो आपके माइक्रोबायोम को मारते हैं, उनको कम करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा घर का बना हुआ अचार किन का हो, सब्जियों का, हर किस्म की हम सब्ज़ी डाल सकते हैं उसमें, बंद गोभी डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, उसमें हम लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ियाँ आप मुनासिब समझते हैं, आम का होगा, सब्ज़ मिर्च, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर मिल जाएँ और इनका अचार डाल लें तो आपके माइक्रोबायोम सेहतमंद रहेंगे। खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएं। अगर माइक्रोबायोम बढ़ गए ना तो आपके मिनरल्स और विटामिन भी पूरी तरह अच्छी तरह जज्ब होंगे, बच्चों के अंदर कैल्शियम भी पूरी तरह बना रहेगा। मटर, चने, सोयाबीन, इनका इस्तेमाल से भी माइक्रोबायोम में आपको फ़ायदा पहुंचता है। केले, ग्रेपफ्रूट, सेब और सेब का बना हुआ सिरका अच्छी चीज़ें हैं माइक्रोबायोम के लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाएगी ये भी। लहसुन प्याज का इस्तेमाल माइक्रोबायोम के लिए बेहतर है। जौ, जई और चोकर आपके बढ़ाते रहेंगे माइक्रोबायोम को, यानी पूरे अनाज, होल ग्रीन, इसका इस्तेमाल आपके माइक्रोबायोम के लिए बड़ा मुफीद है। अगर हम मग़ज़ियात का ज़िक्र करें तो बादाम, पिस्ता, अखरोट माइक्रोबायोम के लिए बेहतर हैं, आपके प्रोबायोटिक को बढ़ाते हैं ये। सब्ज़ चाय भी किसी हद तक बेहतर काम कर सकती है, प्रोबायोटिक के तौर पर काम करती है। और एक बेहतरीन चीज़ वो है भरपूर नींद। जब आप 7 से 8 घंटे अच्छी तरह नींद लेते हो तो आपके प्रोबायोटिक इससे बड़े बढ़ते हैं, माइक्रोबायोम ढेरों के हिसाब से तादाद में जाते हैं। जितनी भी ये ग़ज़ा वाली चीज़ें बताई हैं ये खाएं, इस्तेमाल करें, अच्छी नींद लें तो आपके प्रोबायोटिक बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि आपके प्रोबायोटिक को कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, कौन सी चीज़ें इनको कम करती हैं, इनको कमज़ोर कर देती हैं। इस दौर में सबसे बड़ी चीज़ वो है एंटीबायोटिक का बेतहाशा, बिला वजह इस्तेमाल और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल, क्योंकि आजकल देखा गया है मामूली सी गले की इन्फेक्शन हो बच्चों में या बड़ों में भी, मामूली सी कोई इन्फेक्शन नज़र आए तो फौरी तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए, बायोटिक ज़िंदगी और एंटीबायोटिक ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक हमारे इन प्रोबायोटिक, इन माइक्रोबायोम के गट फ्लोरा को नुकसान पहुँचाते हैं। बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार में मामूली से मसले में यानी फौरी तौर पे एंटीबायोटिक दे देते हैं तो बच्चों के गट को कमज़ोर करते हैं, उनके माइक्रोबायोम को कमज़ोर करते हैं। लिहाजा बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि अशद ज़रूरत में ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए, बिला वजह और लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक से बचा जाए। ट्रांसफैट का ज़्यादा इस्तेमाल प्रोबायोटिक को कम करता है, कमज़ोर करता है। ट्रांसफैट क्या है, पिछले वीडियो में हम इस मुकम्मल डिटेल से बात कर चुके हैं, यानी जो सब्जियों के ऑयल होते हैं उनको ठोस हालत में लाने के लिए उसमें हाइड्रोजन शामिल की जाती है, केमिकल अमल किया जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इस तरह मिनरल्स और विटामिन ख़त्म हो जाते हैं और वो टॉक्सिक बन जाता है, वनस्पति घी इसकी सूरत है जो हम खा रहे हैं। लिहाजा ट्रांसफैट और इसमें तली हुई बनाई हुई चीज़ें, आपकी लेज, आपके पकौड़े, आपके समोसे, आपके नमक परे, आपकी मिठाइयाँ, ये सारी ट्रांसपेरेंट से बनी हैं और टॉक्सिक हैं, नुकसानदेह आपके माइक्रोबायोम के लिए, आपके प्रोबायोटिक के लिए। फाइबर के बगैर वाली ग़ज़ाएँ, यानी जिनके अंदर ईशा ना हो, फाइबर ना हो, आपके पास गंदम के अंदर फाइबर है, मैदे के अंदर नहीं है, आपके पास चीनी है, इनके अंदर भी फाइबर नहीं है, और इनका दड़ादड़ इस्तेमाल यानी रिफाइन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल अपने माइक्रोबायोम को नुकसान पहुँचाते हैं, आपके प्रोबायोटिक से कम होते हैं। आपकी जितने भी डिब्बा बंद ग़ज़ाएँ होती हैं उनको महफूज रखने के लिए केमिकल डाले जाते हैं और यही केमिकल हार्मफुल हैं, यही नुकसानदेह हैं आपके प्रोबायोटिक के लिए, आपके गट के लिए। जनाब आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स
डिब्बा बंद जितने भी जूसेज हैं ये सारे ही आपके माइक्रोबायोटो को, आपके माइक्रोबायोम को, प्रोबायोटिक को नुकसान पहुंचाते, कम करते, कमज़ोर करते हैं। गैस्ट्रो इन्फेक्शन अगर जिन लोगों को हो, लंबे अरसे के लिए मैदे के मराज का शिकार हों, इंतड़ियों के मराज का शिकार हों, तो उनके भी प्रोबायोटिक कम हो जाते हैं, नुकसान पहुंचता, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी तरह जब मोशन लगते हैं तो क्यों हमारा निज़ाम हज़ाम बिगड़ जाता है, उस वक्त आपके प्रोबायोटिक जिस्म से निकल जाते हैं, उनको नुकसान पहुँच जाता है, डेथ हो जाती है उनकी। तो लिहाजा इस तरह के जो मसाइल हों तो फौरी उन पर काबू पाएँ, जल्दी आराम ताकि आ जाए आपको। सुस्ती काहली वाली ज़िंदगी जिसमें वाक वर्जिश ना हो, एक्सरसाइज ना हो, योगा ना हो, एक्टिविटीज़ कोई ना हो, तो यह भी प्रोबायोटिक के लिए नुकसानदेह हैं। फिर है नींद की कमी, 5-6 घंटे सोना ये प्रोबायोटिक के लिए ठीक नहीं, 7-8 घंटे बेहतर हैं। लिहाजा अच्छी नींद प्रोबायोटिक के लिए बहुत बेहतर है। प्रोबायोटिक को अगर सेहतमंद रखना है तो एक और बड़ी अहम चीज़ है, वह है स्ट्रेस। इस दौर में बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस का शिकार हैं और हमारे दिमाग, हमारे जहन और हमारे इंतड़ियों का तल्लक आपस में बड़ा गहरा है। लिहाजा अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, आपके प्रोबायोटिक कमज़ोर पड़ेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कुव्वत मुदाफियत गिरेगी। लिहाजा प्रोबायोटिक को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है स्ट्रेस परेशानी से अपने आप को महफूज रखें। अगर आप कुदरती गज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस परेशानी एनजाइटी से बचते हैं, एक्सरसाइज वॉक वर्जिश करते हैं, जो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से बचते हैं, तो आपके प्रोबायोटिक, आपसे माइक्रोबायोम सेहतमंद रहेंगे, आपकी अमूमी सेहत बेहतर रहेगी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।